भारतवर्ष के सभी पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी साथियों को भाई M3 राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रातः अभिनंदन। साथियों, जैसा आप सभी को विदित है कि देश की एकमात्र पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी साथियों की लीगल लाइव ट्रेड यूनियन भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन 23 अप्रैल को दिल्ली में महामना मदन मोहन मालवीय ऑडिटोरियम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITO के पास में सुबह 10 से 1 बजे तक आयोजित करने का फैसला लिया है। वो सभी पूर्व सैनिक साथी जो देश के किसी भी हिस्से में और किसी भी सरकारी बैंक में किसी भी प्रकार का उत्पीड़न झेल रहे हों, मैं उन सभी साथियों का आह्वान करता हूं कि वो इस मीटिंग में जरूर आए और अपने खिलाफ हो रही अन्याय का एक साक्ष्य प्रस्तुत करें, जिससे कि हम बैंक मैनेजमेंट के खिलाफ आपके हित के लिए लड़ाई लड़ सकें। दोस्तों, वैसे तो पूर्व सैनिक जहां कहीं भी जिस किसी भी डिपार्टमेंट में रहे हैं, वहां पे उनकी कार्यनिष्ठा, उनकी कार्यप्रणाली अपने आप में एक पहचान बनती है। लेकिन सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट ने पूर्व सैनिकों की जो ओबीडियंस और एक डिसिप्लिन्ड जो लाइफ स्टाइल है, उसको ही कमजोरी बना दिया गया है। तभी तो कुछ बैंक मैनेजमेंट पूर्व सैनिकों को मिलने वाली केंद्र सरकार द्वारा सेवाओं में जो रियायतों में कटौती करते हैं, वो चाहे पे फिक्सेशन के 2006 से पहले के मुद्दे हों या 2006 के बाद के, और सबसे बड़ा मुद्दा फौज से रिटायर होने के बाद बैंकों में भी हमारे साथियों को हजार हजार किलोमीटर दूर की शाखाएं दी जाती हैं, और उस पे भी जहां पे 2 साल में इंटर सर्किल ट्रांसफर होने का प्रावधान है, हमारे साथियों को 8-8, 10-10 साल तक घर से दूर रखा जाता है। साथियों, पूर्व सैनिकों के साथ साथ जो हमारे अन्य साथियों के साथ में जो मुद्दे मैनेजमेंट के साथ हैं, उसमें एक 5-day week का भी है। कितना हास्यप्रद लगता है जब RBI 5-day week हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 5-day week हो सकती है, केंद्र सरकार 5-day week हो सकती है, लेकिन सरकारी बैंक नहीं। वो भी तब जब सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन 24 घंटे सरकारी बैंकों ने अपने ATM और CDM मशीन जनता की सेवा में हाजिर कर रखे हैं। उसके बाद एक और मुद्दा आता है कस्टमर द्वारा झूठी मिसबिहेव की शिकायतों का। जैसे झूठी शिकायत करके बैंक स्टाफ को अपने घर तक माफी मंगवाने के लिए एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रचलन सा चल पड़ा है। बैंक स्टाफ को दंडित करने के लिए पॉलिसी और प्रोटोकॉल पूरा प्रावधान है, लेकिन यदि वही कंप्लेंट झूठी हो तो उन कस्टमर और उन मैनेजर्स का जिन्होंने इस झूठी कंप्लेंट के में अपने बैंक स्टाफ के खिलाफ साथ दिया है, उनके खिलाफ बैंक मैनेजमेंट के पास क्या पॉलिसी है, क्या प्रोटोकॉल है, हम ये भी जानना चाहते हैं। हम मानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में ग्राहक देवता होता है, लेकिन देवताओं से भी एक सभ्य व्यवहार की उम्मीद करना क्या ये भी अपराध है? और एक सबसे दुखी करने वाला जो मुद्दा है, आज हमारे कुछ बैंक कर्मी सरेआम शाखाओं में ऑन कैमरा पीटे जा रहे हैं। इतना स्ट्रेस, इतना जबरदस्त जो सेवाओं में एक अमानवीय माहौल बना दिया गया है कि कुछ हमारे साथी तो आत्महत्या तक को मजबूर हो रहे हैं, और हमारे यूनियन के लीडर्स कुछ नहीं कर पा रहे।
बीपीएस बीकेएस की ओर से उन सभी सीनियर लीडर्स को निवेदन है कि यदि आप आज की पीढ़ी के बैंकर्स के हितों को सही से रक्षा नहीं कर पा रहे तो प्लीज यूनियन के लीडर आज के जो सर्विंग लीडर्स हैं उनको सौंप दें और उनको गाइड करने का परोपकार हमारे ऊपर करें। और भी ऐसे ही क्रांतिकारी विचारों के लिए, एक क्रांति की स्टार्ट करने के लिए आप सभी क्रांतिकारी साथियों का आह्वान करता हूं कि आप भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ की सदस्यता लें और अपनी वाणी को, अपने जोश को एक नई कार्य प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए आगे आएं। धन्यवाद।